मैंने आज ये नाइजीरियन हॉप्सी को आज मैंने भूटान घुमा दिया। बोलो बोलो कैसा लगा आपको? बोलो बोलो। दिस इज द हाईवे दैट लीड्स टुवर्ड्स भूटान। समथिंग गाइस, भूटान में बाइक चलाने का मजा ही कुछ और है। इंडिया में तो हम लोग चला लेते हैं लेकिन भूटान में अलग ही मजा है। सो गाइस, फाइनली अफ्रीकन हॉप्सी इन भूटान। ओह माय गुडनेस सर, आई एम अ बिग फैन। ओह माय गुडनेस। सो गाइस, यहां पे चेकिंग वगैरह सब होता है और आपको एंट्रेंस मिलता है भूटान पे। सो गाइस, दिस इज अमाचो ब्रिज और सिटी के इधर बगल में है हैंगिंग ब्रिज। तो ये जो ब्रिज है ये बहुत झूलता है और इसके ठीक नीचे तुरसा रिवर का पानी है, इसके कारण ये बहुत डरावना भी है ये ब्रिज। जब इसके ऊपर आप चलते हैं ना तो आपको लगता है कि आप गिरेंगे। सो हे गाइस, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। और आज है संडे तो फिलहाल मैं भैया का घर पे हूँ। तो राइट नाउ मैं हूँ बुकिन बारी पे। तो ये मेरा दोस्त है, टुडे अ डे विथ अफ्रीकन हॉप्सी। तो फिलहाल मैं इसके साथ जा रहा हूँ भूटान घूमने के लिए। तो चलते हैं, बहुत लेट भी हो चुका है। तो गाइज, कुछ दिन पहले मैंने चलाया था हिमालयन BS4। तो आज फिलहाल मैं चला रहा हूँ हिमालयन BS6 है ना। BS6 और 400 कौन सा 400 411। तो बहुत ही बढ़िया मशीन है। चलो फिर। So, let's go. So guys, फिलहाल मैं चला रहा हूँ हिमालयन स्क्रैम 411 स्क्रैम, जो कि बहुत ही भयंकर मशीन है। तो इसको चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो मेरा भाई दोस्त ने कुछ दिन पहले लिया था, कुछ दिन पहले नहीं, कुछ महीने पहले। तो बहुत दिन से प्लान बना रहे थे हम लोग कि भूटान जाएंगे, भूटान जाएंगे। तो फाइनली मैं भी आ चुका हूँ और हम लोग जा रहे हैं भूटान। तो दोस्तों के साथ जाने का प्लान था, 3-4 दोस्त के साथ, लेकिन बिजी है थोड़ा। मोटो व्लॉगिंग सेटअप नहीं है लेकिन पीछे से मेरा दोस्त पकड़ रहा है कैमरा, तो उसी से कर रहे हैं। और थोड़ा विंड का साउंड भी आएगा तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो गाइस, फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं हासीमारा। तो यहाँ से लगभग हाफ एन आवर लगता है हम लोगों को पहुँचने के लिए भूटान। तो गाइस, फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं मेन हाईवे पे, इंडो भूटान हाईवे। एंड दिस हाईवे इज लिटरली अमेजिंग। तो गाइस, दिस इज द हाईवे दैट लीड्स टुवर्ड्स भूटान। और इतना साफ सुथरा हाईवे है, यहाँ से जाएगा 14 किलोमीटर है। तो फिलहाल दोस्त राइड करने वाले, तो मैं पीछे बैठूंगा अभी फिलहाल। तो चलो चलते हैं फ्लेम गाइजर। सो गाइज, वी हैव क्रॉस दलजिंगपाड़ा। तो यहाँ से ज़्यादातर नहीं, 15 मिनट लगता है जेंगो पहुँचने में। सो गाइस, ये रास्ते से हम लोग जा रहे हैं बिकॉज ये एक शॉर्टकट है। तो गाइस, फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं गोभी मोहन। जेंगो भी पहुँच गए फिलहाल लगभग। तो ऊपर जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, वही है भूटान। और पहले तो हम लोग को वो करना पड़ेगा, आधार कार्ड वगैरह देना पड़ेगा। तो ये ऑप्सी भाईजान का आधार कार्ड तो है लेकिन अफ्रीका का है। सो गाइस, ये जो इंडिया से भूटान जाने वाला रोड है बहुत ही खत्म है, एकदम बेहाल है इसका। रोड का कंडीशन बहुत ही ख़राब है। सो गाइस, वी आर इन जयगांव और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं भूटान गेट की ओर। तो वहाँ से ये जो भाई साहब है वो बाइक नहीं एंटर करेंगे और मेरे को आधार कार्ड दिखा के एंटर करना पड़ेगा और पहुंच जाएंगे भूटान। तो गाइस, यहाँ पर बहुत जाम लगता है क्योंकि इस पार भूटान है। सो गाइस, मैं विदाउट आधार कार्ड और वोट कार्ड आया था यहाँ पर। मुझे लगा था कि फ़ोटो दिखाने से होगा लेकिन डाउनलोड करना पड़ेगा, इसलिए डाउनलोड करके हार्ड कॉपी निकल रहे। तो मेरा दोस्त भूटान की ओर में है और यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, तो पहले बना लेते हैं और फिर उसके बाद जाएंगे बिकॉज बहुत रिस्ट्रिक्शन है अंदर। सो गाइस, यहाँ से एंट्रेंस है
एंड यहाँ पर SSB वगैरह ID चेक करते हैं, तो मेरा भी ID बनने वाला है फिलहाल। सो गाइज राइट नाउ मैं चेकिंग पॉइंट पे, तो अंदर जा रहा हूँ। तो ये है कुछ अंदर का, यू नो ये एक यू नो चेक पॉइंट भी है, तो यहाँ पर यू नो वोट कार्ड वगैरह चेक करते हैं और इसके बाद एंट्री मिलता है आपको भूटान पे। तो दिस आर द प्लेसेस यू कैन विजिट इन भूटान। सो गाइज यहाँ पे चेकिंग वगैरह सब होता है और आपको एंट्रेंस मिलता है भूटान पे। सो ऑलराइट गाइज आई एम इन भूटान। तो ये है कुछ भूटान का व्यू। तो मैं दूसरा साइड से घुस गया और ये साइड को कहते हैं चाइनीज लाइन। तो जो वोट कार्ड था गाइज मैंने डुप्लीकेट बनाया था यहाँ पर, क्योंकि मैंने वोट कार्ड नहीं लाया था सिलीगुड़ी से। तो मतलब हाँ भूटान जाने का प्लान नहीं था, तो इसलिए वोट कार्ड वगैरह कुछ नहीं लाया। तो मेरा दोस्त अंदर घुसने वाला है, तो मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। और ये कुछ यहाँ का सुंदर वातावरण। सो गाइज ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर यू नो ट्रैफिक सिग्नल वगैरह नहीं होता है, और वो जो ट्रैफिक पुलिस है उसका जो हैंड का डायरेक्शन होता है ना, उससे ही वो लोग सिग्नल दिखाते हैं, और ऐसे यहाँ पर सिग्नल वगैरह कुछ नहीं है। सो गाइज भूटान में आप प्लास्टिक वगैरह फेंक नहीं सकते, स्मोकिंग नहीं कर सकते, एंड ज़्यादा स्पीड नहीं चला सकते, ओवरटेक नहीं कर सकते। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्री है यू नो, और बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है जो अभी तक किंग के अंडर में है, किंग जिगमे केशियर नामग्याल। सो गाइज उस वक्त जब मैं एंटर किया था तो यहाँ से एंट्री करना पड़ता था, लेकिन बिकॉज ऑफ वोट कार्ड का चक्कर तो मैंने डुप्लीकेट वोट कार्ड बनाया था, तो उससे एंट्री नहीं मिला इधर, तो उधर गया था चाइनीज लाइन। तो वहाँ पर एक क्यूट सा लड़की था, तो उसने एंट्री करवाया, परेशान हो गया हम तो। एक घंटा हो गया। सो गाइज मैंने अपने दोस्त को बहुत ज़्यादा यहाँ पर रुकवाया। सो गाइज फाइनली अफ्रीकन हॉप्सी इन भूटान। ओ माई गुडनेस सर, आई एम ए बिग फैन। ओ माई गुडनेस आई होप। तो फिलहाल चलते हैं अपने बाइक दोस्त का बाइक में घूमने के लिए। तो कहाँ से ले जाएंगे आप मुझे आज? अभी उसको लगा ले जा हैंगिंग ब्रिज। सो गाइज पेट्रोल डलवा रहा है अपना दोस्त। द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज 66 रुपीज पर लीटर। सर बहुत पानी है। सो गाइज ये कुछ भूटान का व्यू। तो फाइनली ऑन हिमालयन भूटान पे। सो गाइज ये कुछ यहाँ का व्यू एंड ऑल। भाई लोग चिल्ला रहे हैं GoPro में वीडियो कर रहा हूँ, इसलिए इतना सुंदर वातावरण। सो गाइज ये कुछ व्यू भूटान का। तो वेदर भी बहुत शानदार है भूटान भी आगे ना यार, कुछ अलग ही फील होता है यार। सो गाइज फिलहाल हम लोग भूटान के एक एरिया पे रुके हैं, तो बाइक को यहाँ पर खड़ा करके हमारा भाई साहब जो है उनका फ़ोटो लेना है, क्योंकि बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ पर, देखिए गाइज कसम से। और यहाँ पर एक रिवर है जिसका नाम है तुरसा। तो और आगे जाना है हम लोग को। सो गाइज ये एक ऐसा कंट्री है जो कार्बन नेगेटिव है, और इसका जो एरिया है 70% एरिया पेड़ और पौधे से भरा हुआ है। सो गाइज फाइनली वी आर इन हैंगिंग ब्रिज और अमाचू ब्रिज। तो यहाँ से उस पार जाने का परमिट नहीं है, तो यहीं तक जाएंगे और घूमेंगे फिरेंगे वीडियो लेंगे। सो गाइज पहुँच चुके हैं अमाचू ब्रिज, और इसके ठीक बगल में हैंगिंग ब्रिज। यो ओलो ओलो हाउ आर यू फीलिंग? ओलो हबीबी आयो लेट्स गो। सो पहले पानी खरीदेंगे, क्योंकि भाई जी को बहुत ज़्यादा प्यास लगा है। सो गाइस इतना गर्मी है तो बहुत पसीना आ चुका है, तो यहाँ पर फेस धोएंगे पानी से। ठंडा है पानी? हाँ ठंडा, नेचुरल वाटर। सो गाइज फिलहाल हम लोग जा रहे हैं हैंगिंग ब्रिज में थोड़ा झूलने के लिए। तो आज वेदर भी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन थोड़ा गर्म है। और ये है अमाचू ब्रिज। तो फिलहाल हैंगिंग ब्रिज पे चलते हैं। तो ये ब्रिज बहुत ज़्यादा झूलता है यू नो। डर
सो गाइस यहाँ से फिलहाल नीचे चलते हैं, अभी थोड़ी देर में कहाँ जाएगा? नीचे होते जाने का रास्ता, चलना। अरे चलना, मैं दिखाता हूँ। तो अभी थोड़ी देर में यहाँ का वीडियो लेंगे, वीडियो बना देगा, इधर ही बनाना। सो गाइस दिस इज अमाचो ब्रिज और जो इसके ठीक इधर बगल में है हैंगिंग ब्रिज। तो ये जो ब्रिज है ये बहुत झूलता है और इसके ठीक नीचे तुरसा रिवर का पानी है, तुरसा रिवर का पानी है जिसके कारण ये बहुत डरावना भी है ये ब्रिज। जब इसके ऊपर आप चलते हैं ना तो आपको लगता है कि आप गिरेंगे, बट एग्जैक्टली वैसा होता नहीं है बिकॉज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये ब्रिज, लेकिन बहुत ही पुराना भी है। और यहाँ पर फ्लैग वगैरह सब है, यू नो बुद्धिस्ट फ्लैग वगैरह फॉर पीस एंड ऑल। एंड भूटान का जो पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादातर यू नो 90% to 99% बुद्धिस्ट है। सो गाइज ये है व्यू, ये कुछ ब्रिज का व्यू है और नीचे जाएंगे सोच रहे नहीं चलते ना, चलो उधर ही चलते हुए ब्रिज के ऊपर। सो गाइज ये खूबसूरत सा ब्रिज से निकलते हैं फिलहाल, तो हमें इंडिया जाना है भूटान से। हाँ भूटान से इंडिया जाना है। तो मैंने आज ये नाइजीरियन हॉप्सी को आज मैंने भूटान घुमा दिया। ओलो ओलो कैसा लगा आपको? ओलो ओलो अच्छा लगा, ओलो ओलो। सो गाइज यहाँ से निकल चुके हैं अमाचो ब्रिज से और ये है कुछ यहाँ का व्यू भूटान का। सो कसम से गाइज भूटान में बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और है। इंडिया में तो हम लोग चला लेते हैं लेकिन भूटान में अलग ही मज़ा है, क्योंकि भूटान में एक भी नॉइज़ नहीं होता है। और मेन प्रॉब्लम, मेन रीज़न भूटान में बाइक चलाने का क्या है पता है गाइज? यहाँ का रोड एकदम साफ होता है, मक्खन सा रोड होता है और फिर ट्रैफिक भी उतना नहीं होता है फॉर दैट रीज़न। और ज़्यादातर आपको पेड़ और पौधे ही देखने को मिलेंगे। और कसम से गाइज आज इतना मज़ा आया है, और यहाँ पर स्कूल का दोस्त था निकी, सॉरी अनिस, उसके साथ घूमने के लिए आया था आज, तो इतना मज़ा आया कसम से गाइज। वही था गाइज इतना दिनों बाद हम लोग मिले और गेट टुगेदर किए, और दूसरे मतलब दोस्त लोग को भी कहा था कि चलो चलते हैं, लेकिन मतलब अभी तक टाइम नहीं है, अच्छा है मतलब हम लोग को भी इतने बिजी होते हैं हम लोग। यहाँ पर साइकिल आते हैं लोग, मैं भी लेकर आऊँगा अपना साइकिल लेके। व्लॉग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टाटा बाय।